और जो अंदर के हैं अकल अंतर्मुखी होकर के रहते हैं क्या, तो यहाँ सारा ही उल्टा होता है। क्या उल्टा होता है? अंदर वाले रह जावेंगे का मतलब क्या हुआ? हाँ यही तो बताया कि यहाँ अंदर वाले कौन है, अंदर वाले रह जावेंगे, कहाँ रह जावेंगे? बाप के पास। हाँ बाप के पास रह जावेंगे, 16,000 की लिस्ट में आ जावेंगे, परिवार में आ जावेंगे। किस परिवार में? राज परिवार में आ जावेंगे। और जो बाप के बने ही नहीं रह जावेंगे। हाँ बाहर की दुनिया में रहते हुए भी घरगस्त के अंदर है, गीता पाठशाला चला रहे हैं, जैसे बाबा चलाता है वैसे ही चलते हैं। उसे कहा जाए आ जाओ तो आ जाएंगे, उसे कहा जाए नहीं गीता पाठशाला चलाओ 2 साल और चलाओ तो चलाएंगे, उसे कहा जाए जमीन ज्यादा है बेच दो तो बेच देंगे, उसे कहा जाए मकान नहीं बनाओ तो नहीं बनाएंगे। एक दो पॉइंट कट नहीं करेंगे तो वो अंदर वाले हुए या बाहर वाले हुए? अंदर वाले हुए। बाप की नजर में अंदर वाले के भी अंदर है, बाहर होते हुए भी अंदर वाले तो वो मुस्कद नहीं पाएंगे। ले जाएंगे तो हाँ, सदगुरु निंदक ठौर न पावे। जो सदगुरु की निंदा कराने वाले होंगे, श्रीमत पर न चलने वाले होंगे, उनको ठौर नहीं मिलेगा, वो अंदर नहीं रह सकते। ठौर में जो बाप के बाप का जो ठौर है वो नहीं मिलेगा। जो बाप संगठन बनाता है ठौर नहीं, जो नई दुनिया क्रिएट करता है उस नई दुनिया में उनको ठौर नहीं मिलेगा। उनको कहा जाएगा जाओ तुम इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन के बीज रूप आओ ना, तुमने विरोध किया ना हमेशा, बाप की बदनामी कराई ना, जाओ विदेशों में जाओ और वहाँ इस्लामी और बौद्ध और क्रिश्चियन की सेवा करो, इकट्ठा कर हाँ उनकी ठोकरें खाओ जाके। ब्रह्मा बाबा का तो शरीर छोड़ने के बाद बना, तो जीते थे समाधि का मुसलमानों ने बनाया ब्रह्मा बाबा का, क्योंकि कुमारका दादी के हाथ में ताकत आ गई बनाने बिगाड़ने की, तो वो तो मुसलमानों का ही काम करेंगी, वो कोई समाधि थोड़ी क्या, तो कब्र बनाई, कब्र बनाई। मुसलमान क्या करते हैं? मरने के बाद ऊपर कब्र बनाते, कब्र बना देते हैं, तो वो बात अलग। लेकिन समाधि का वास्तविक अर्थ है सम माने संपूर्ण, अधिमानी अंदर, क्या जैसे कहते हैं आध्यात्मिक, अधिमानी अंदर, आत्मिक माने आत्मा, आत्मा के अंदर क्या क्या है, जैसे ये बीज है आम का बीज है, इस बीज के अंदर क्या है भाई, आम का झाड़ है, अभी मालूम पड़ गया ना इसके अंदर क्या है, पूरा बीज देख करके जो जानकार होगा वो पहचान लेगा इसके अंदर आम का झाड़ है, आम के ऐसे ऐसे पत्ते होंगे, ऐसे ऐसी टहनियां होंगी, ऐसा ऐसा फल होगा, ऐसा ऐसा बौर होगा, होगा ना। तो ऐसे ही ये आत्मा भी बीज है, देख के पहचान जाते हैं बाबा, इस आत्मा रूपी बीज को पहचानना जानना, इस आत्मा रूपी बीज में कितने जन्म भरे हुए, कौन कौन कहां कहां इसने पार्ट बजाया है, किस देश विशेष में पार्ट बजा, किन किन कैसी आत्माओं के बीच में पार्ट बजाया है, वो आत्मा के अंदर की सारी बात बाहर निकाल ले, उसको कहेंगे आध्यात्मिक ज्ञान, ज्ञान से। तो बात क्या थी, समाधि, सम माने संपूर्ण, अधि माने अंदर, माने संपूर्ण अंदरूनी स्टेज में पहुंच जाना, उसको कहते हैं समाधि। वो साधु संन्यासी जो समाधि लगाते हैं छोड़ते वो तो शरीर को अंदर छोड़ देते हैं, आत्मा तो फिर भी जाके जन्म लेती है, पानी के अंदर मिट्टी के अंदर, आत्मा गर्भ में जाके जन्म लेती है कि नहीं, आत्मा गर्भ में जाके जन्म ले, वो ये समझते हैं कि पाप निर्माण गया, पाप निर्माण तो कोई नहीं जाता। अब बाप हमको समाधि सच्ची देना सिखाते हैं, बाबा तो जानते हैं हर आत्मा को देख के, लेकिन हर आत्मा आत्मा भी अपना जाने खुद से, खुद हम खुद अपना अपने से जाने
और दूसरों का भी जाने। जैसे राम वाली आत्मा कृष्ण आत्मा को अपने आप सारे अपने जन्मों का हाँ जी अपने जन्मों का हिसाब किताब पता चलेगा सबको होगा और संगी साथी दूसरों का भी दूसरों का जन्म जन्मांतर का पता चलेगा। अभी हमारा भी सबका पता चलेगा ना बाबा आपने क्या क्या कितना जन्म दिया है नहीं पता चलेगा। नहीं पता चलेगा तो पार्टधारी बेवकूफ या होशियार कोई रंगमंच पर पार्ट बजाता है और वो पार्ट बजाने वाला हम तो भूल गए मुझे याद नहीं है क्या पार्ट बजाए तो कहेंगे बेवकूफ है बेटा दीप ज्ञान से करते करते अभी भी होता है एहसास तो होता है कभी ऐसा नहीं है। दादा बताया है क्या क्या बताया है कि क्लास में बैठने से भी धारणा में होगा क्लास में बैठने से क्लास में क्लास मुरली सुनने से भी धारणा में होगा धारणा जब होगा जब क्लास में दादा कब परिचय दूसरों को देंगे क्या क्या क्लास क्लास वो खाली उसको कहने का भाव ये है कि क्लास में खाली बैठ लिया मुरली सुन लिया उससे मतलब धारणा नहीं होगा तो उसको बाहर जाके सर्विस करना है वो आत्मा को संदेश देना है मैसेज देना है तब जाके धारणा होगी। ठीक है आपने मुझे बताया तो बाबा ने मुरली बताया तो क्या ये बात कैसे है वो कुछ पक्का करना चाह रही है माना कोई क्लास ही नहीं करेगा बाबा का बाबा का क्लास करेगा ही नहीं बैठेगा ही नहीं सुनेगा ही नहीं बाबा के सामने ही नहीं आएगा सन्मुख बैठ करके क्लास नहीं करेगा तो बाबा का वाइब्रेशन मिलेगा बाबा की दृष्टि मिलेगी नहीं मिलेगी। और बाबा जो डायरेक्ट मुख से सुनाएगा वो ज्यादा सच्ची बात होगी सच्चा ज्ञान होगा कि दूसरों से हम सुनेंगे वो ज्यादा सच्चा ज्ञान होगा। बाबा से डायरेक्ट जो हम सुनेंगे बाबा ही सच्चा सुना सकता है और बाकी कुछ ना कुछ मिक्स कर देंगे। दूसरी बात बाबा का संग का रंग हमको ज्यादा लेना है या दुनिया वालों का संग का रंग ज्यादा लेना है बाबा का संग रंग हमें जितना ज्यादा लगे उतना ज्यादा अच्छा हम उतना ही ज्यादा जन्म जन्मांतर बाबा के नजदीक रहेंगे हीरो पार्टधारी के नजदीक रहेंगे तो हमको फायदा होगा। अच्छा कोई क्लास में न बैठे बाहर जाकर के जी सुन देख ले किताबें पढ़ ले एडवांस ज्ञान या कोई भी ज्ञान हो पढ़ ले तो उसे वाइब्रेशन वाइब्रेशन नहीं मिलेगी दृष्टि की पावर नहीं मिलेगी वाचा की सत्यता और हम जो प्रश्न पूछेंगे वो किताब तो जवाब नहीं देगी और बाबा के सामने बैठ करके तो हम प्रश्नों का समाधान भी कर सकते हैं। तो हर हालत में क्लास में न बैठने से घाटा ही घाटा है। हाँ ये बात जरूर कही कोई बैठे क्लास में दिखाने के लिए लेकिन बाबा की कोई बात न सुने एक कान से सुनता है दूसरे कान से निकाल रहा है बुद्धि रहे बाहर की दुनिया में तो प्राप्ति नहीं होती। यहाँ सन्मुख मेरे सन्मुख बैठ करके जो सुनते हैं वो स्वर्ग में क्यों नहीं आ गए मुरले बोला लेकिन बैठा वो सामने देखने में तो सामने बैठा है लेकिन बुद्धि लगी हुई है किसी और की तरफ है तो सन्मुख हुआ या विमुख हुआ वो वाइब्रेशन खराब करने वाला हुआ विचारी वाइब्रेशन बनाने वाला हुआ शिवालय बनाने वाला हुआ या वैश्यालय बनाने वाला हुआ तो वैश्यालय बना रहा तो वो सन्मुख नहीं है उसको सन्मुख नहीं कहेंगे उसको विमुख ही कहेंगे। ऐसे बहुत से बाबा की क्लास में आ जाते हैं समझते हैं हम जाके देखें दर्शन कर रहे हैं ना हम जाके बाबा की क्लास में देखें कि बाबा हमको पहचानते हैं कि नहीं कि हम बेकार में जाते हैं कि नहीं। अरे बाबा को क्या पड़ी तुम बेकार में जाते हो कि नहीं जाते हो एक एक को देखने की जरूरत है बाबा को तुम जैसा करोगे वैसा पाओ उसको हम जानते ही हैं। राम को हराने की कोशिश की लव कुश ने राम को हराने की कोशिश की वो बेहद में कौन सा हीरो है। लव लव माने क्या होता है प्यार लव माने प्यार होता है होता है ना और कुश माने क्या होता है कुश माने क्या होता है कांटा एक घास होती है कांटे जैसी कुछ होता है उसका नाम देते हैं
कुश जो कांटा लगाती है उसको कहते हैं कुश। तो एक है लपफुल, एक है लपफुल, एक है बाण मारने वाला कांटा। क्या राम के दो बच्चे हैं, एक है इस्लामी लवफुल, क्या उनमें ज्ञान नहीं ज्यादा होता है? मुसलमानों में ज्यादा ज्ञान होता है? ज्ञान नहीं, अल्लाह मियां ने धरती बनाई, अल्लाह मियां ने सूरज बनाया, अल्लाह मियां ने सागर बनाया, अल्लाह अल्लाह करते हैं। तो ये कोई ज्ञान हुआ? लेकिन क्रिश्चियंस में ज्ञान बहुत होता है, ज्ञान होशियार होते हैं, लेकिन दुख देने वाले, दुनिया को नष्ट करने वाले क्रिश्चियंस है या मुसलमान? एटम बम कौन बनाते हैं? क्रिश्चियंस एटम बम बनाते हैं। बहुत दुखदाई है। राम उनका कहता है कि लव कुश करे तो राम के ऊपर, इसलिए बताया कि इस्लाम धर्म का बीज हो गया लव, और क्रिश्चियन धर्म का बीज हो गया कुश। कुश तो दोनों ही कहते हैं, दोनों ही राम के पास गए ना वो लोग। हाँ तो यहाँ चूंकि वो चूंकि नहीं करते हैं, वो लड़ाई नहीं करते हैं क्या? लड़ते हैं जिस तरह से नहीं कर रहे हैं। बच्चा बाप से लड़ाई लड़े तो जिस्मत नहीं होगी? तेसर जन्म भी क्या किया इन्होंने, इस्लामियों ने और क्रिश्चियंस ने तेसर जन्म क्या किया भारत के लिए? अच्छा किया है? झूठी झूठी बातें सुना करके सारे हिंदुओं को कन्वर्ट करके दूसरे देश में दूसरे धर्म में ले जाते रहे। ग्लानी की नाम है सर, तो उनका बीज भी वैसा ही हुआ। क्या क्या कथा कहानियां बनाई हुई ये विकार का बीज कैसे पैदा हो गया? देवा देवान आता है, मैं देह हूँ, बस बीज पैदा हो गया। अगर मैं देह हूँ, देह हूँ तो देह की इंद्रियां भी है ना, तो देह की इंद्रियां अपने अपने तरीके से काम भी तो करती है, तो देवान नहीं आएगा? तो ये बीज हो गया सभी में देवान होगा ही नहीं। हम बिंदु आत्मा कृष्ण, ये हमारा कपड़ा है, जब चाहेंगे कपड़ा उतार के रख देंगे, अगला जन्म लेंगे। ये त्रेता से शुरू हो गया ना, द्वापर से हो गया ना, कब से शुरू हो गया? क्या देवान त्रेता के अंत से आठ कलाएं जब कम हो गई, आत्मा का आधा गुण कम हो गया, आधी शक्ति क्षीण हो गई, देवान शुरू हो गया। पहले संगम युग में देहवान था ही नहीं, तो राधा कृष्ण का जन्म हुआ 16 कला संपूर्ण, क्योंकि देवान था ही नहीं। लक्ष्मी नारायण के चित्र कहाँ गया? पीछे लक्ष्मी नारायण के चित्र में जो संगम युग के लक्ष्मी नारायण है ऊपर, वो आपस में एक दूसरे को देखते भी नहीं है, टच भी नहीं देखते भी नहीं, टच भी नहीं कर रहे हैं, इंद्रियों से टच भी नहीं कर रहे हैं, देखते भी नहीं है, माने उनको इंद्रियों में देवान है ही नहीं। फिर राधा कृष्ण जैसे बच्चे कैसे पैदा होंगे? बच्चों की पैदाइश करने के लिए तो दो का योग चाहिए ना, वाइब्रेशन, कुछ तो चाहिए। पपीता है, एक पपीता का पौधा यहाँ हो नर, और एक दूसरा पपीता का पौधा 2-3 किलोमीटर दूर हो, बीच में कोई भी पपीता का पौधा न हो, तो जो मादा पपीता है वो 2 किलोमीटर दूर से ही नर पपीते से अपना वाइब्रेशन खींच लेगा। तो क्या जड़ में ये ताकत हो सकती है? चैतन्य मनुष्य में ये ताकत नहीं हो सकती है? हो सकती ही नहीं। तो ये अभी बाबा दिखा रहे हैं कि ऐसी सृष्टि में आकर के बनाता हूं जहां देवान का नाम निशान नहीं होगा।
वाइब्रेशन से ही तुम राधा कृष्ण जैसे बच्चों की पैदाइश करेंगे। फिर राधा कृष्ण को कैसा दिखाएंगे, वो एक दूसरे को देख रहे हैं, माने एक दूसरे से लगाव हुआ पड़ा है। किन इंद्रियों का? ब्रह्म इंद्रियों का नहीं, श्रेष्ठ इंद्रियों का। श्रेष्ठ इंद्रियों में भी जो सबसे श्रेष्ठ है दृष्टि का प्यार लगा हुआ, वो दृष्टि से ही प्यार भोगेंगे, सुख भोगेंगे, उसी से संतान पैदा हो जाएगी। फिर त्रेता में आते हैं तो देवानुभाव और बढ़ जाता है, दो कला कम हो गया, इतना देवान बढ़ गया कि बाहुपात में बनने लगे। तो ऐसी स्टेज जब हो जाती है तो शक्ति ज्यादा क्षीण होती है, और द्वापर में जाते जाते तो भ्रष्ट इंद्रियों की पैदाइश शुरू हो जाती है, आकर्षण शुरू हो जाता है भ्रष्ट इंद्रियों का, वहां पतन फिर तेजी से होता है, शक्ति क्षीण होने लगती है, दुनिया बहुत ही नीचे गिरने लगती है। कई लोग मानते हैं, शास्त्र में भी तो लिखा है दृष्टि से पैदा हुए कौर पांडव, शिव से पैदा हुए राम, सीता हाँ पैदा हुई पृथ्वी, हनुमान पैदा हुआ हवा से, हाँ जी, हाँ जी। वो संगम युग का ही हर घर होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अभी घर को सुधार करो, ये घर नहीं है। कौन सी घर की बात है? घर को सुधार करो, पहले घर का सुधार फिर परकर। अगर देह अभिमान में है तो देह अभिमान होने के कारण देह का बाप है, देह की अम्मा है, देह के भाई है, देह के बहन है, वो याद आएंगे, ये हमारा घर है क्योंकि हम देह है, हमारी देह का घर है, ये देह का परिवार है, इसका पहले सुधार। अगर हमने अपने को आत्मा समझ लिया तो हमारी आत्माओं का परिवार कौन सा होगा तैयार? 108 आत्माओं का परिवार तैयार होगा, संगठन तैयार होगा, माला बनेगी, उसका हम सुधार करें। तो 108 आत्माएं बिगड़ी हुई है या सुधरी हुई है? बिगड़ी हुई है। तो बिगड़ी हुई आत्माओं को हम सुधार करेंगे तो भगवान के घर का, भगवान के परिवार का सुधार होगा ना, तो मेंटेलिटी बदल गई। हद में अर्थ उठाएंगे तो देह का अर्थ उठाएंगे, देह का परिवार, क्योंकि हमने अपने को देह समझ लिया। तो अगर अपने को आत्मा समझेंगे तो आत्मा तो परमात्मा का बच्चा है, किसका बच्चा है? तो परमात्मा के घर का सुधार करेंगे। इसलिए बाबा मुरली में कहते हैं रोज मुरली सुननी चाहिए, पता नहीं हमारे मासिक कौन सा पॉइंट लग जाए, एक पॉइंट से ही हमारे जीवन का परिवर्तन हो सकता है। मुरली सुनते से पूरा सोए और बड़े हम रोज मुरली सुनते हैं, उनका क्या करें? क्या करें क्या? कोई कुंभकर्ण की औलाद बना है, बनेगी कि नहीं बनेगी? दादा दादा ने कल परसों तो मुझे भी बताया कि दादा को तो जल्दी दिवस दे देते, मैं अपने पति को दिवस नहीं दे सकती। मुझे क्या बोल जाती है? मैं उनके बाबा ने मुरली बताया कि बाबा को जल्दी डिवोर्स दे देते हैं, लेकिन अपना जो पति है शरीर का उसको डिवोर्स क्यों नहीं होते हैं? जल्दी उसको डिवोर्स क्यों नहीं हो जाता है? वो नौजवान सुंदर पति मिला होगा, बूढ़ा बड़ा काला कल उठ करने जाएगा। बाबा कभी कभी प्रश्न पूछने वाले गोदी मुर्जी में दुख पड़ता है। बाबा पौंड्र का अर्थ क्या है? है पौंड्र का अर्थ क्या है? क्या पौंड्र? पौंड्र में क्या क्या होता है? तुम्हें शास्त्रों की बातें याद आती हो? मुरली या अपने कहानी में कुछ याद आ रहा है? कौन
बाबा कोई एक झाड़ के चित्र को पसंद करते, कोई सीढ़ी के चित्र को पसंद करते, ये क्यों? इसलिए कि जिनको लक्ष्मी नारायण जैसा बनना होगा, लक्ष्मी नारायण की प्रजा में जाना होगा, उनको क्या अच्छा लगेगा? लक्ष्मी नारायण का चित्र अच्छा लगेगा। जिनको आदि से अंत तक भारत में रहना होगा, उनको सीढ़ी का चित्र अच्छा लगेगा, है ना? और जिनको दूसरे दूसरे धर्मों में परिवर्तन होना होगा, उनको जाड़ का चित्र अच्छा लगेगा। कहाँ गया वो? हाँ मूर्ति बोला, जब तक भक्ति मार्ग संस्कार जाएगा तब तक मैं नहीं आऊंगा। बोला क्या? जिन के अंदर भक्ति मार्ग का संस्कार रह जाएगा तो बाबा नहीं आएगा, मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं मिलूंगा, ये बोला। जिनके अंदर भक्ति मार्ग के संस्कार रह जाएंगे वो आत्माओं को अपना शरीर छोड़ना पड़ेगा, जबरियन छोड़ना पड़ेगा। शिक्षा से अपने शरीर को त्याग करने वाले नहीं बनेंगे। जैसे खनार में चला ना भक्ति मार्ग का, तो यहाँ भी तो इतना अभी ये क्लियर नहीं हो रहा है कि एक्चुअल में भक्ति मार्ग बाबा क्या इशारा कर रहे हैं। उसका खाली पूजा पाठ करना ही भक्ति मार्ग है या मंदिर में जाना ही भक्ति मार्ग है? श्रीमद के वर्ग लाभ जो भी बातें हैं वो सारा भक्ति मार्ग है। श्रीमद के अनुकूल जो भी है तो ज्ञान मार्ग, वो सब ज्ञान मार्ग। सातवें रुक्मणी का अर्थ तो अत्यधिक है, रुक्मणी का पार्ट है ना जो अच्छा है, माने राधा का पार्ट अच्छा नहीं है। शास्त्रों में रुकुनी का पार्ट अच्छा है, लेकिन राधा का पार्ट नहीं। उनका कहना है, हमारी इस बात का जवाब दो, राधा का पार्ट अच्छा है कि नहीं? अच्छा ही बाबा, राधा रुकमुनी राधा का क्या है? रुकुनी राधा एक ही है? नहीं नहीं है। हाँ राधा अलग है, रुकुनी अलग है। रुकुनी राज परिवार में रह करके सुख भोगा, दुनियादारी का सुख भोग लिया, प्रेम में थी, लवासे किया। और राधा ने, राधा तो अपने परिवार में रही, शादीशुदा थी, बांधेली थी, तो भी पूरा प्यार पूरा किससे किया? भगवान से किया। तो कहाँ राधा और कहाँ सुख साधन संपत्ति भोगने वाली रुक्मिणी, मान मर्तबा भोगने वाली रुक्मिणी, वो अच्छा पल रह गया? ब्राह्मणों की दुनिया में कोई मान मर्तबा भोगे, सुख साधन संपत्ति सब प्रकार की भोगे, बड़े बड़े महलवाणियों में रहे, अच्छे अच्छे लकलके पका पक सफेद कपड़े पहने और बढ़िया बढ़िया भोजन बना बना के खाए और दूसरों को खिलाए, तो सारी सुख साधन संपत्ति सब मिल गई ना, मान मर्तबा सब मिल गया ना, ये अच्छी बात है। क्या किसने किया? राधा ने किया या रुक्मिणी ने किया? त्याग तो राधा अभी भी ब्राह्मणों की दुनिया में त्याग राधा कर रही है या रुक्मिणी कर रही है या जगदम्बा कर रही है? राधा ने त्याग किया, अभी भी त्याग कर रही है। शास्त्रों में भी दिखाया है। और आदि पुरुष और अनादि पुरुष कौन है? अनादि शिव आदि पुरुष है कि नहीं? आत्मा है कि नहीं? शरीर रूपी पूरी में आकर के पार्ट बजाता है कि नहीं? तो वो भी पुरुष है, वो आदि पुरुष है, वो अनादि पुरुष है। और जो आदि पुरुष है वो आदि पिता है, तो आदि देव है, पुरुष है, पुराण है, शंकर को कहा जाता है, आदम एडम ही बनेगी। जब वैष्णवी देवी देवता का प्यार लगाते ना, वैष्णवी देवी तो उस समय उसी करना, इसी का
जब त्यो बस्ने बित्तिकै देवताहरूको पालना गर्छ नि त्यति बेला फेरि बस्ने बित्तिकैमा चाहिँ शिवले प्रवेश गर्छ हो तर चाहिँ त्यो चाहिँ चार चाहिँ पाउँदैन भनेर भन्छ नि मतलब जब वैष्णवी देवी का पाठ चलेगा ना विष्णु का वो देवताओं की पालना करेगी तो क्या उस समय उसमें शिव का पाठ चलेगा वैष्णवी में शिव पवित्र में आता है या अपवित्र में आता है शिव जो है तमो प्रधान में आता है या सत्व प्रधान में आता है पतित में आता है या पावन में आता है तो आता ही है पतितन कामी कांटे में बड़े से बड़े कामी कांटे में आकर उसको बड़े से बड़ा फूल बनाता है है बड़े से बड़ा फूल नहीं है सुना बोली थी मुरली में सुना या कोर्ट में सुना क्या जो वैष्णवी का जो पाठ चलेगा उसमें शिव की प्रवेशता तो होगी लेकिन मतलब मालूम नहीं पड़ेगा किसी को वो ऐसा करेगी सारा ज्ञान उसने धारण कर लिया सारा ज्ञान दूसरों को सुना दिया जो लक्ष्य है वो सारा पूरा किया लक्ष्य में बनी रह क्या गया उसके लिए करने के लिए शिव क्या है शिव क्या चीज है धन है संपत्ति है महल मान या मकान है कुछ है कोई पदार्थ है तो नहीं ज्ञान ही शिव है ज्ञान माने सच्चाई तो सत्य को उसने धारण कर लिया लक्ष्मी ने क्या धारण किया सत्यनारायण को धारण कर लिया और क्या चाहिए और शिव कैसे धारण किया जाता है शंकर हो लिए थोड़े कहेंगे धारण कर लिए शंकर को तो सिर्फ तीसरा नेत्र दिखाया जाता है खड़ा हुआ शिव नेत्र वो तो दिखावे की बात हो गई यहाँ शिव आया लेकिन प्रैक्टिकल क्या किया रुद्रमाला या रुद्रमाला का हेड प्रैक्टिकल कर्म करके दिखाता है अरे प्रैक्टिकल में स्वर्ग स्थापन हुआ अभी तो कब होगा कब होगा किसका इंतजार है क्यों मैंने उसने पूरा धारण किया ना तो उसने सारा ही शिव को अप कर लिया सत्य ही शिव है शिव ही सुंदर सत्य है सच्चाई को उसने पूरा ही अप किया वो अंतिम समय में हम माउंट आबू में बर्फ के अंदर रहते हैं ना बर्फ के अंदर रहते हैं फिर वो कंचन काया होके निकलते हैं ना वो उसके बाद हम वो बर्फ के अंदर रहते बर्फ के अंदर और कंचन काया बनेंगे ऐसा बोला है ना मुरली में कंचन काया जो बनेगी वो नई दुनिया में स्वर्ग में बनेगी या नरक में बनेगी कहाँ बनेगी अरे कंचन काया जो बनेगी निरोगी काया बनेगी देवताई काया बनेगी दिव्य शरीर बनेगा वो कहाँ बनेगा स्वर्ग में या नरक में तो स्वर्ग जो है माउंट आबू में होगा क्या जमुना के कंठे पर दिल्ली में होगा क्या बात है तपस्या धाम अलग वो आत्म की स्थिति में रहने का धाम है सुख भोगने का धाम नहीं है क्या पहाड़ को पीठ कुर्सी बनाना हो तो आ जाओ माउंट आबू तकिया नहीं मिलेगा आराम से लगा करके तकिया सो जाओ माउंट आबू में जो दिल वाला मंदिर है ना बाबा उसने जितना भी देवी देवता की मंदिर बनाए उसकी मूर्ति बनाई उसके ऐसे ऐसे टीका लगा कर रखा और मूर्ति जहाँ दूसरा जगह दिखता है ऐसा नहीं है सब जोड़ी का जोड़ी बना कर रखा है पूरा उसके अंदर में क्या है क्या दिल वाला मंदिर के अंदर पूरा ऐसा है आत्मिक स्मृति का टीका नहीं लगाते आप लगाते नहीं है वहाँ पक्का टीका नहीं लगाएंगे
दिलवाड़ा मंदिर में जब प्रैक्टिकल में आप तपस्या करेंगे तो आत्मिक स्मृति का टीका लगा के नहीं रहेंगे? सारा ही सारी सब सब में ऐसा पूरा मुखदेवी से काका ये सब लग जाएगा। अनुसुईया के लिए दिखाते हैं इतनी पवित्र थी जिसके पति का नाम क्या था? अत्री त्रिमाने सिंह ब्रह्मा विष्णु शंकर। लेकिन आमाने नहीं अर्थात जो तीन देवताओं की कोटि में नहीं है, एक ही है, वो है अत्री। वो कौन है? ना उसको ब्रह्मा कहेंगे नीची स्टेज वाला, ना उसको विष्णु कहेंगे मध्यम स्टेज वाला स्वर्ग का देवता, और ना उसको शंकर कहेंगे। देवताओं में महादेव बड़े से बड़े देवता भी नहीं कहेंगे उसको, सिर्फ कहेंगे गॉड फादर भगवान। न वो देवताओं की लिस्ट में कहा जाता, न महादेव की लिस्ट में कहा जाता, और न मनुष्यों की लिस्ट में कहा जाता। उसको कहेंगे अत्री। कौन सी आत्मा हुई है? अरे शिव बाबा वो संपन्न स्टेज है जहाँ वो सिर्फ हेवनली गॉड फादर है, जिसके लिए गायन है भगवान आते हैं तो भगवान भगवती बनाते हैं। भगवान भगवती को देवी देवता नहीं कहेंगे, वो संगम युग की ऊंची से ऊंची स्टेज है, वो सदाशिव की स्टेज है, खड़ा हुआ नेत्र है, सदैव पुरुषार्थ खड़ा हुआ है। वर्तमान ब्राह्मण जीवन में ऐसा कोई भी पुरुषार्थ नहीं कहा जा सकता जो सदैव खड़ा हुआ हो। शिव और शंकर मिलकर के जब एक होते हैं प्रैक्टिकल, तब कहेंगे खड़ा हुआ, सदैव निराकारी स्टेज वाला, सदैव निराकारी निर्विकारी निरहंकारी, वही है अत्री। उसे कहते हैं कश्यप, काश्य अर्थात याद का तेज, अप्पा माने पीने वाला। न उसे पानी पीने की दरकार रहती, न अन्न खाने की दरकार रहती, पांच तत्वों के ऊपर पूरा विजय पाने वाला। उसे किसी के आधार की दरकार नहीं। उसे कहा जाता अत्री, और उसको सहयोग देने वाली का नाम है अनुसुईया।
माने नहीं, असूया माने ईर्ष्या देश, जिसकी किसी के साथ ही ईर्ष्या देश नहीं है। उस नगरी का नाम पड़ा है जो शिव शंकर को बहुत प्यारी है, काशी नगरी। वो काशी अनसुईया है, और इतनी पवित्र है कि गंगा यमुना सरस्वती उस पवित्रतम स्टेज को नहीं प्राप्त करती। काशी नगरी ही एक ऐसी दिखाई गई है जब सारी पृथ्वी गर्त में जाती है पतन की, असुर उसे पाताल में ले जाता है, तो काशी नगरी हिचक करके अलग हो जाती है। इसलिए मान्यता है भक्ति मार्ग में कि मरना है तो काशी में मरना है, जो पतन के गर्त में नहीं जाती। अंत समय में संग का रंग लेना है तो किसका लेना है? काशी का, काशी वासी बनना है। वो ही अनसुईया है। ऐसी पवित्र बनने वाली आत्मा ब्रह्मा की भी पालना करने वाली है। यज्ञ के आदि में ब्रह्मा की भी पालना की होगी, इसलिए मुरली में बोला है कि जो ब्राह्मणों की दुनिया में दीदी दादी दादाएं हैं, इनकी भी पालना करने वाले तुम बच्चे हो। आदि में गुण रत्नों से पालना की थी और अभी अंत में ज्ञान रत्नों से पालना करने वाली बनती है। ज्ञान धर का देवता गाया हुआ है, कौन है? है? अरे धन का देवता कोई है या नहीं? पूरे स्त्री और पुरुष की बात नहीं है, चाहे स्त्री चोला हो चाहे पुरुष चोला हो, लेकिन आत्मिक स्थिति में रहने वाले की बात है। आत्मिक स्थिति में टिकने के पुरुषार्थ की बात है। और गीता पाठशालाओं को चलाने वाले एक का ज्ञान सुनते हैं, एक मुख से ज्ञान सुनने वाले हैं या अनेकों के मुख से ज्ञान सुनने वाले हैं? टीवी से तो सुनते हैं, वो तो माध्यम है, लेकिन उनके दिल में एक मुख बसा हुआ है या अनेकों मुख बसे हुए हैं? एक तो बसा हुआ है, लेकिन वो आगे उनके पाठ जाते हैं। हाँ,
जो ज्ञानी की आत्मा होगी वो किसी को भगाने का प्रयत्न करेगी या थमाने का प्रयत्न करेगी? सुनना पड़ेगा, कोई जबरदस्ती है? बाबा ने तो कहा फालतू बात एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो, तुम सुनते हुए भी न सुनो। तुम्हें एक की बात सुननी है, अनेकों से सुनेंगे तो विचारी ज्ञान हो जाएगा। और से भी अगर सुनने में किसी को इंटरेस्ट आने लगा तो कन्वर्ट होने वाली आत्मा बनेगा या नहीं बनेगा? है? दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्मा साबित हो जाएगा। ये कन्वर्शन होने की शूटिंग अभी चल रही है। वो आने नहीं देना। ये कोई बात नहीं। अरे कोई आए सुनाए, हम एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते, सुनते हुए नहीं सुनते हैं। हियर नो, क्या बोला? हियर नो इट। खराब तो तब होंगे जब वो हमारे मन को कंट्रोल कर ले। हम मन से बाबा की याद में टिके हुए हैं तो कोई कितना भी सुनाता रहे हमारा भाग्य बनेगा कि बिगड़ेगा? हमारा भाग्य तो बनेगा। हम ये भी लाते सुने क्यों? बाकी अपन त्रिमूर्ति का एडवांस का जो भी हम जानते हैं उससे जानकारी दे सकते हैं ना? हाँ, अगर इतनी सामर्थ्य है उनकी सुनाई हुई बातों का हम जवाब दे सकते हैं तो जवाब देना है। लेकिन जवाब उनको ही देना है जो वाद विवाद में करे, मुरली की बात सुनने वाले हो। मुरली की बात कोई नहीं सुनते, अपनी ही बात कहे चले जा रहे हैं, चार चित्रों के ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं, अव्यक्त वाणी के ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं, तो उनके वाद विवाद करने में कोई फायदा नहीं है। बाकी जब वो देखेंगे ये हमारी बात सुनता ही नहीं, सुनते हुए अनसुनी करता है, हमारा तो आना यहाँ बेकार है। आना बंद कर देंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो जिससे अनित्य का कोई प्रभाव तो नहीं पड़ता है? है? जो सूर्यवंशी बच्चे होंगे राम वाली आत्मा को स्पेशल फॉलो करने वाले होंगे वो प्रभावित होंगे, या जो दूसरे धर्म के बीज होंगे वो प्रभावित होंगे? अरे त्रिमूर्ति में अंकल कौन है ये आज तक तुमने सुन ही नहीं पाया, समझा ही नहीं, और ताऊ कौन है वो जाना ही नहीं है? नहीं जाना। अरे तीनों देवताओं में बड़ा भाई कौन है? वो ताऊ हुआ ना है? और ब्रह्मा बाप है उसका छोटा भाई कौन है?
जो अभी भी ब्रह्मा के कंट्रोल में है, ब्रह्मा की परंपराओं का फॉलोअर है, कौन है? विष्णु वो अंकल हो गया, अंकल आंटी हो गया, आंटी है तो कोई अंटा भी होगा। कौन है वो समझ में आ गया? वैष्णवी देवी, और वैष्णवी देवी कोई ब्रह्मा कुमारी होगी या नहीं होगी? ब्रह्मा कुमारी होगी, और ब्रह्मा कुमारियां जिस किसी भी सेंटर में है वो ब्रह्मा कुमारियों को साथ देने वाला कोई न कोई भाई के रूप में साथी होगा या नहीं? ईश्वरीय सेवा में साथ देने वाला कोई न कोई मुख्य भाई होगा या नहीं होगा? है? होगा तो वो यंता हो गया। सागर कहाँ? क्षीर सागर है कहाँ? जेल में, उज्जैन में। हाँ जी, अरे ये तो सीधी सी बात है, ये यादगार कहाँ की है? उज्जैन, उस माने ऊपर और जैन माने जैन, जो ऊंचे से ऊंचा जैन है उसका नाम है उज्जैन। अब ऊंचे से ऊंचा जो उज्जैन है वहां किसकी पूजा प्रसिद्ध है? महाकाल की पूजा प्रसिद्ध है। वो ऊंचे से ऊंचा जैनी है, झाड के चित्र में सब धर्म दिखाए गए हैं। कौन सा धर्म नहीं दिखाया गया है? जैन धर्म नहीं दिखाया गया? क्यों नहीं दिखाया गया है? अरे जिन शब्द से बना है जैन, जिन माने जीतने वाला। क्या जीतने वाला? इंद्रियों को जीतने वाला। तो जो इंद्रियों को जीतने वाला अव्वल नंबर में साबित होता है वो ही काल के ऊपर विजय पाता है, तो वो ही महाकाल है। वो चैतन्य है और बाकी सभी देवी देवताएं उसके छत्र छाया में, इसलिए चाहे वो फेलियर राम की आत्मा हो, चाहे सीता वाली आत्मा हो, राधा वाली आत्मा हो, कृष्ण वाली आत्मा हो, वो सब क्षीर सागर की स्टेज में दिखाए जाते। और
पहले ही पुरानी माताएं जो थी जो पहले पद्धत था बहुत नीचा क्या था बादल बहुत नीचा था ये क्या चक्कर चला लिया कहानी है सुनाई बातों में विश्वास हो जाता है और हाँ अब आपकी कान में सुनाई नहीं जाता उधर से बोल रहा है इधर से महाभारत में जो अभिमन्यु होता है हाँ उसे चक्र में फंसने का रास्ता तो मालूम होता है जाने का हाँ लेकिन निकलने का रास्ता नहीं मालूम होता है हाँ और वो उसमें अपना शरीर छोड़ देता है हाँ इसका बेहद में क्या भक्ति मार्ग में कहावत है नीम आकी में खतरे जंग कोई कोई ऐसे झोला छाप डॉक्टर होते हैं जो पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ते विधिवत और पूरी पढ़ाई न पढ़ने के कारण वो सेवा करना शुरू कर देते हैं बीमारियों से लड़ाई लड़ना लड़ाना शुरू कर देते हैं लेकिन जब कोई मरीज मरने लगता है तो हक्के बक्के रह जाते हैं फेल हो जाते हैं ऐसे ही वो नाम शास्त्रों में रखा गया अभिमन्यु अभिमान की औलाद है उसमें कूट कूट के अभिमान भरा हुआ है क्या अभिमान भरा हुआ है मैं भगवान का शिष्य हूँ मेरे को पढ़ाई पढ़ाने वाला बचपन से कोई भी नहीं है कौन है वो तो भगवान मेरे को बचपन से पढ़ाई पढ़ा रहा है मैं किसी गुरु को नहीं मानता अब ये नहीं देखेगा कि वो पढ़ाई विधिवत पढ़ करके पूरी की है या नहीं की है विधि से सिद्धि मिलेगी या विधि को छोड़ करके सिद्धि लेंगे विधिवत पढ़ाई पढ़नी चाहिए फिर दूसरा अभिमान है मेरे को जन्म देने वाला ऊंचे से ऊंचा पुरुषार्थी जिसके शरीर रूपी रथ को भगवान डायरेक्ट कंट्रोल करता है वो मेरा बाप है वो मेरा जन्मदाता है ये दो अभिमान पतन के गर्त में ले जाने वाले हैं देह अहंकार के सूचक हैं भगवान को कोई मानता हो लेकिन भगवान की बातों को न मानता हूं मुरलीधर को मानता हो और मुरली से प्यार न हो मुरली रोज सुनता न हो जहां मुरली का संगठन क्लास चलता है वो भी अटेंड न करता हो तो प्रैक्टिकल जीवन में पास होगा या फेल होगा फेल हो जाता है और
की आत्मा आदि में थी, उनमें से कैसे करते थे वो आत्मा ज्वाला जन्म में थे, उनमें से कैसे कैसे हो चुकी है या हो गए हो सकती है हो चुकी है या हो गए ये बैठे कौन है? अगर सं 36 के बाद उसको फॉलो करने वाली यज्ञ के आदि की आत्माएं प्रत्यक्ष नहीं है तो ये इतना बड़ा संगठन कहाँ से आ गया? दिखाई नहीं पड़ता और किसकी बात है? हाँ और किसकी बात है? हाँ हाँ कोई आग के डायरेक्ट फॉलो करने वाले हैं और कोई ऐसे भी है जो आग को डायरेक्ट फॉलो करने वाले नहीं है, उनको फॉलो करने वालों के फॉलोअर्स है। हाँ जी बाबा, ये बोला था पहले देवी के पुजारी ही आगे संप्रदाय है, लेकिन अभी बताया है कि महाकाली के पुजारी ही आगे संप्रदाय है। अरे ये देवी नहीं है, ये महाकाली के पुजारी का नहीं कहा। महागौरी जो है वो किसी को फॉलो करती है या नहीं करती है? कोई की तपस्या करती है कि नहीं करती है? किसी को हम बैंकन के बैठी हुई है, बोलो बोलो जल्दी बोलो, करती है। और महाकाली अपने से ऊपर किसी साकार को मानती है या नहीं मानती है? कि छाती के ऊपर पांव रखती है, क्या करती है? पांव रख देती है। इसलिए फॉलोअर्स को गलत फहमी पैदा हो जाती है। वो फॉलोअर्स जय माता दी का नारा तो लगाते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि जिसकी हम जयकार लगाते हैं वो कोई विधवा नहीं है, के ऊपर भी कोई सरपरस्त बैठा हुआ है। इसलिए बोला कि सिंगल देवी हो या सिंगल देवता हो, जिनकी पूजा भक्ति मार्ग में द्वापर के मध्य से दिखाई गई है, द्वापर के अंत में खास दिखाई गई है, वो सिंगल की उपासना करने वाले सब है रावण संप्रदाय। रावण संप्रदाय शुरू ही होता है द्वापर युग से, जब द्वैतवादी युग शुरू हो जाता है। एक को नहीं मानते, कितनों को मानते? दो दो को फॉलो करते हैं।